नमस्कार अध्यक्ष जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हो लक्की? बस हम तो ठीक है, आप बताएं। सुबह सुबह लिखा पढ़ी बस्ती में सब ठीक ठाक तो है ना? सब ठीक ठाक है। हमारे तुम्हारे होते भला बस्ती में कोई गड़बड़ हो सकती है क्या? वैसे भी हमारी बस्ती में सब शरीफ लोग रहते हैं। सो तो आप ठीक कह रहे हो अध्यक्ष जी, लेकिन माजरा क्या है? चेहरा कुछ चमक रहा है। अरे चेहरा इस उम्र में क्या खाक चमकेगा? फिर भी वो क्या कहे, हाँ कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फज्जू सही कह रही है अध्यक्ष जी, कुछ तो है जिसकी पहरेदारी है। पहरेदारी नहीं पर्दादारी। अरे अपना ये कवि सम्मेलन बंद करो, ध्यान से सुनो। आज शाम बस्ती में मैंने एक नौटंकी बुलवाई है। हाँ नौटंकी? अरे अध्यक्ष जी नौटंकी बुलाने की क्या पड़ी तुम्हें? अरे नौटंकी बुलवाई है, कोई भूत प्रेत नहीं बुलवाया जो इतना मीन मेख निकाल रहे हो। अपनी बस्ती में पानी की टंकी ना सही, नौटंकी सही। वैसे अध्यक्ष जी इस उम्र में नौटंकी देख के तुम्हारा क्या होना है? हाँ, और अगर हमारा इतना ही ख्याल था तो पर्दे पे कोई फर्स्ट क्लास फिल्म लगवा देते, बच्चे और बूढ़ो सबकी तफरी हो जाती। बच्चों सही कह रहे अध्यक्ष जी, कोई फर्स्ट भी फिल्म लगवा देते तो मजा ही आ जाता। दुनिया कहीं की कहीं पहुँच जाए पर तुम वहीं के वहीं रहोगे। इसका क्या मतलब अध्यक्ष जी? मतलब ये कि नौटंकी टीम भी तुम लोगों के मनोरंजन के लिए बुलवाई है। अरे फिल्म तो तुम हर रोज ही देखते हो, कभी कोई अच्छी चीज भी देख लिया करो। इसमें जीते जागते लोग तुम्हारे सामने नाटक करेंगे, इससे ज्यादा अच्छी चीज और क्या हुआ है? तो इसका मतलब नौटंकी में कोई अच्छी चीज भी देखने को मिलेगी? अब ज्यादा बाल की खाल ना निकाल, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। आज शाम बस्ती में नौटंकी आ रही है, बखत पर पहुंच जाना। तुम भी सुन लो लक्की। वैसे भी अपनी बस्ती में रोज ही किसी ना किसी के घर में नौटंकी हो गए, आज बाहर वालों की नौटंकी आ रही है, चलो वो भी देख लेंगे। पहुंच जाएंगे दर्जी, ठीक वक्त पे पहुंच जाएंगे। जन्म जली कपटी, जब से तू आई है तूने मेरा जीना हराम कर दिया है। न जाने कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैंने तुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया। अरे तो मैं कौन सा खुश हूँ, कैसे जी रही हूँ मैं ही जानती हूँ। तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है इंसान जानवरों के साथ रह ले, जानवरों के साथ। तो वनवास क्यों नहीं ले लेती, चली क्यों नहीं जाती, मैं भी आराम की सांस लूं। कल जाती है तो आज जा, आज जाती है तो अभी जा, तुरंत। जाऊंगी जाऊंगी जरूर जाऊंगी, पर ऐसे ही नहीं जाऊंगी, अपने दहेज का एक एक तिनका लेकर जाऊंगी। और अगर तुमने मेरे माँ बाप की कमाई का सामान वापस नहीं किया ना तो यहाँ से रत्ती भर भी नहीं हिलूंगी, यही तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगी मूंग। हे भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो ऐसी चुड़ैल जैसी बहू हमारे पल्ले बांध दी। इससे तो अच्छा होता मेरा बेटा कवारा ही रह जाता। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इन जैसे लोगों के खूंटे से बांध दिया। इनके घर भेजने से तो अच्छा था मुझे मेरे ही घर पे रखते, कम से कम इस रोज की चिक चिक से तो बच जाती, सारी जिंदगी तेरा नाम लेकर जपती रहती। हाँ हाँ हाँ, देखा है देखा है, बड़ा नाम जपती है। अरे कितनी बार तुझे कहा कि चल बाबा पटाका राम के पास, सबके बिगड़े काम संवार देते हैं। अरे एक बच्चे को तरसती है, उनके पास चल, छे छे बच्चों से आंगन गूंजेगा। हाँ। मैं तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं हूँ कि किसी भी पटाखा राम बम राम या गन राम के पास चली जाऊँ। हाँ। तभी तो चेहरा देखा है उस पर फटकार बरसती है जैसे कोई सड़ा हुआ अमरूद हो। अपने आप को देखा है,
बासी बैंगन से कम नहीं लगती हो? हाँ। अरे चुप, परकटी मुर्गी। क्या कहा? अरे भाई, सास बहू में क्या अमरूद बैंगन की बातें हो रही हैं? आइए आइए। नमस्कार अध्यक्ष जी, नमस्कार। अरे घूंघट तो काट, ससुर जैसे हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारी बेटी है। नमस्ते। नमस्कार। मैं तो ये बताने आया था राजेश्वरी बहन, आज शाम बस्ती में मैंने एक नौटंकी बुलवाई है आपके मनोरंजन के लिए, हो सके तो जरूर आना। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शाम को मिलेंगे नौटंकी में। अच्छा जी, जी नमस्कार। तुम जाओ अपने पटाखा राम के पास, मैं तो चली नौटंकी देखने। मैं तो चली नौटंकी देखने। तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ जाके नाचना। तुझे तो पिछले साल जो क्या बोलते हैं कंपटीशन में प्राइज भी मिला था ना, डांस कंपटीशन। हाँ वही वही। इनाम तो मिला था आंटी, लेकिन वो क्या है ना, अकेले नाचने में शर्म आवे है। तुम किसके साथ नाचेगा फिर? तू मैं आपके साथ नाचूंगा। चल हुआ कहीं का, कुछ बुढ़िया के साथ नाचेगा, वहाँ जाके नाच। अरे चला जा चला जा, शर्मा काहे को रहा है, दिन भर तो बस्ती में नाश्ता घूमता। हाँ हाँ जाना, जाओ। हाँ जा जाओ। छमक चलो कोई कहाई की जानी, कोई कहाई छमक चलो कोई कहाई की जानी। कोई बुलाए लली बलिया, कोई बुलाए लली बलिया, अखिया दादी दादी शराबी हम पानी मारे बदमा, शराबी हम पानी मारे बदमा। नौटंकी टीम आप ही की बस्ती में आप सब लोगों का जोरदार स्वागत करती है। हमें विश्वास है कि हमारे और आपके चहेते कलाकार फज्जू और टीटू द्वारा किया गया डांस आप सब लोगों को पसंद आया होगा। तो भाई उन दोनों के लिए जोरदार तालियां। तो इस डांस कार्यक्रम के बाद हम आपके सामने एक नाटक पेश करेंगे। ये नाटक एक सच्ची घटना पर आधारित है, या यूं कहिए कि ये घर घर की कहानी है। अगर आप लोग इस नाटक से कुछ हासिल कर सके, कुछ सीख सके, तो हम ये समझेंगे कि हम अपने प्रयास में सफल रहे। अब आज की नारी की ही बात ले लीजिए। आज नारी ने जो मान और प्रतिष्ठा हासिल की है उस पर कोई भी पुरुष फख्र कर सकता है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नर हो या नारी, अगर उसमें हौसला है, अगर वो इरादा कर ले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। पार कर ले समुंदर, जाए पहाड़ों पर चढ़, कर ले इंसान जरा सा इरादा अगर। बहुत अच्छा, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का नाटक। सुनो भैया सुनो, अरे सुनो भैया सुनो, दीवानी मस्तानी, दीवानी मस्तानी, घर घर की कहानी, यही तो है घर
रानी, आज तू मुझे सचमुच की रानी लग रही है। रानी लग रही है? कल कह रहा था तू मुझे रानी नहीं पुरानी लग रही। वो टांग मिस्टेक हो गई थी, चमड़े दी टांग हैगी, मिस्टेक हो गई। टांग नहीं, टंग, TONGUE, टंग। TONGUE, टुंगई। टुंगई नहीं, टंग, टंग। टंग, टुंगई नहीं? नहीं। तो यह बता, NATURE, नेचर। नटूरे। नटूरे नहीं, नेचर। चुप, FUTURE, पूछा पूछा। फटूरे, फटूरे। और यह बता, FEATURE, फीचर। फटीचर। तू ना फटीचर का फटीचर ही रहेगा। तुम इससे बात करो रानी। और यह बता, KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज नॉलेज नॉलेज। कनव लद गए। कनव लद गए नहीं, नॉलेज। चुप। और BUT, बुट। बुट नहीं, बट, बट। ओ सॉरी सॉरी, सारी सारी। अच्छा ये बता, PUT, PUT, BUT, बट। PUT, पट। हे भगवान, मुझे इस अनपढ़ पति से छुटकारा कब मिलेगा? ये मेरे अनपढ़ माँ बाप ने क्या किया, मेरे सपनों का गला घोंट दिया। क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपने पति को लेकर, और मेरी किस्मत में था ये नमूना। देख रानी, बिवेयर ऑफ डॉग्स, समझी? बहुत डेंजरस आदमी हूँ और मुझे एंजर आ गया ना। एंजर नहीं, एंगर, एंगर। देख, मैं एंजर से गल कर रहा सी, समझी? और मेरा एंगर तो एंजर से भी ज्यादा हैगा। अच्छा, क्या करेगा तू? मैं? हाँ, बता ना क्या करेगा तू? ओ, मैं तुझे डाइवोर्स की दे दूंगा। हे भगवान, मैं इस अनपढ़ के साथ कैसे रहूंगी? और मैं तेरे साथ कैसे रहूंगा? तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, इससे तो मैं कुंवारी अच्छी थी। और मैं भी बैकलर अच्छा था। पति से उसकी बनी नहीं, और पति से उसकी बनी नहीं, और सास से उसकी जमी नहीं। जब देखो रानी सास को बात बात पर हर गाती, सास जो भी बात बताती वो रानी कभी समझ ना पाती। चल रही थी बीच में दोनों के खींचा तानी, और यही तो है घर घर की कहानी, यही तो है घर घर की कहानी, यही तो है घर घर की कहानी, यही तो है घर घर की कहानी। भारत सरकार ने लगभग 14.6 करोड़ शिक्षार्थियों के लिए नए जगत की खिड़की खोल दी है। ऑटो में ऐसी बात? संपूर्ण साक्षरता अभियान लगभग मैं दबा के चली आई 1427 जिलों में चल रहा है, और 187 जिले उत्तर साक्षरता चरण में हैं। इन्हें साक्षर बनाने में समाज के सभी वर्गों के 1.2 करोड़ से भी अधिक स्वयंसेविकों ने मदद की है, जिनमें छात्र और गृहिणियां भी शामिल हैं। हो तबाही, टांग छड़ के, होंठ लटक के, आंखों से कुछ सुझाई नहीं देता। कल एक गाय से पूछ रही थी, भाई सब टाइम क्या हुआ है, और मचाएगी तबाही। अरे तू तो मेरी उम्र तक भी नहीं पहुँचेगी, तब तक तो तू नरक से धार जाएगी, नरक। मजाक उड़ाती है, ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या ये अच्छी बात है कि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ, आप बस्ती की सारी बड़ी बूढ़ियों को इकट्ठा करके कप्पे हाँकना शुरू कर देती हो। शीला के ऊपर भूत का साया है, कमला इस पर एक साथ 3-3 बच्चों का जन्म देगी, यही सब बोलती रहती है आप। हाँ, और तू भी तो मेरे पूजा के समय टीवी खोलकर बैठ जाती है, नस पीटी। तो और क्या करूँ, आप भी तो दिन में 12-12 घंटे पूजा करने बैठ जाती है। अरे भगवान पर इतना ही विश्वास है तो उनके पास क्यों नहीं चली जाती? अरे मैं तो भगवान में ध्यान लगाती हूँ, और तू क्या करती है? बस पढ़ती रहती है। पढ़ना लिखना छोड़ के 2-4 घंटे भगवान की पूजा करेगी ना, तो दिन भी सुधरेगा और दुनिया भी। माँ जी, पढ़ाई लिखाई भी भगवान की पूजा करने के बराबर ही है, माँ सरस्वती की पूजा। आप भी थोड़ा पढ़ लिख लो, थोड़ी सी अकल भी आ जाएगी और पूजा भी हो जाएगी। अरे मुझे नहीं चाहिए पढ़ाई लिखाई का सहारा, मुझे तो अपने कोमले वाले बाबा का सहारा ही काफी है। आपकी ना सारी जिंदगी बाबाओं के चक्कर लगाने में ही गुजर जाएगी। जमाना कहां से कहां पहुंच गया, और आप अभी तक बाबाओं के ढकोसलों को पानी में घोल घोल कर पी रही हैं। अरे मुंह फट कहेगी। हाँ, बाबा संतों का मजाक उड़ाते हैं, उनके हिसाब से बच कल मुंह ही उनके हिसाब से बच। 2-4 भूत तेरे सर पे छोड़ दिए ना, तो सारे मोहल्ले में बाल खोड़ के नाचती फिरेगी। मैं तो कहती हूँ तू मेरे साथ किसी दिन कोमली वाले बाबा के पास चल, वो तेरी गोदहारी कर देंगे, बार बार करेंगे। माँ जी, कोई बाबा किसी की गोद हरी नहीं कर सकता, वो तो आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आप जैसे अनपढ़ों को। हाँ, चुप कर, चुप कर, बिल्कुल नहीं बोलना है? ऐसे बाबा लोगों के बारे में शब्द बोले ना तो मैं तेरा छोटा खींच लूंगी, समझी? हाँ
छोड़ सकूं। इस तरह सास बहू में होती रोज तकरार, अरे जिस कारण दोनों रहती दिन भर में करार। सबक सिखाने की बहू को सास ने एक दिन ठानी, अरे यही तो है घर घर की कहानी, यही तो है घर घर की कहानी। तुम्हारी तरह कटखनी सास है तो बहू भी तो तेरे जैसी है, आफत की पुड़िया। जंतर मंतर गली के लंतर काला हाथी प्यासी बुढ़िया। तू हमारी शरण में कैसे आई? बाबा मेरी बाहू मुझे बहुत तंग करती है, मुझे अनपढ़ होने का ताना देती है। उसका कुछ इलाज करो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो कहोगे करूंगी। और बाबा वो आपको भी ढोंगी कहती है। जय महाकाल! वो हमें ढोंगी कहती है, वो मूर्ख हमारी ताकत को नहीं जानती। ये पढ़े लिखे सब बकवास करते हैं, वो नहीं जानते कि हम क्या नहीं कर सकते। अरे हम तो इंसान को बकरा बना सकते हैं और बकरे को कौवा, गाय गाय। महाराज आप तो धन्य हो, आप धन्य हो महाराज, आप तो चमत्कारी हो। ओ जंतर मंतर कली कलंतर भीम पलासी काला हाथी प्यासी बुढ़िया अगड़म बगड़ा। माई तुम्हारी बहू तुम्हारे रास्ते से अपने आप हट जाएगी, तुम हमारी बात को जरा ध्यान से सुनो। सिखाती हूँ, कुंबली वाले बाबा को नहीं मानती, पढ़ना लिखना सब भूल जाएगी। किथे रख है। अब मजा आएगा, इसकी सब हेकड़ी निकल जाएगी। माँ जी मैं प्रशिक्षा केंद्र गई थी, आपके लिए वहाँ बात करके आई हूँ, अब आप वहाँ जाना शुरू कर दीजिए। बस बहू मुझे तेरी यही बात पसंद नहीं है, तू बैठ मैं चाय बनाकर लाती हूँ तेरे लिए। ये नीम के पेड़ से आज आम का रस कैसे टपक रहा है? बाहू तू तो मुझे ऐसे ही बुरा समझती है, तू बैठ ना मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अच्छा तो ये बात है। डिब्बा लेकर राखी पहुंची बाबा जी के पास, तू ठीक समय पर आई, अब तुम्हारी समस्या का समाधान निकट है। मैं ना अपनी बहू के सारे जेवर लाई हूँ। तूने बहुत अच्छा किया, अब देखना माई हम किस तरह इसमें अपने जादू की विभूत मिलाते हैं, और उसके बाद तुम्हारी बहू इसे पहनते ही उसका सब अहंकार भस्म हो जाएगा, और वो तुम्हारे आगे पीछे बकरी की तरह मैं करती फिरेगी। अब तुम बताओ उसे बकरी बनाऊं या बिल्ली? जो चाहो महाराज। ठीक है आंखें बंद करो, अगर तूने अपनी आंखें खोल दी तो तुम भी भस्म हो जाओगी। बोलो जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जंतर मंतर कली कलंतर भीम पलासी काला हाथी बुढ़िया प्यासी, अरे अगड़म बगड़म जंतर मंतर कली कलंतर।
बगड़म बगड़म। ठीक है माई, अब तुम अपनी आंखें खोलो। जय महाकाल। लो अब देखो तुम्हारी पढ़ी लिखी बहू का क्या हाल होता है। उठाओ इसे और ले जाओ। आप धन्य हो महाराज। जय महाकाल। अब आप जाओ माई, हमारी तपस्या का समय हो चुका है। जय महाकाल। इस तरह सास ने बहू को मरवाने की ठानी। अरे सच है भैया ये है कलयुग, सतयुग की तो हुई बात पुरानी, सतयुग की तो हुई बात पुरानी। माँ जी, अरे माँ जी, माँ जी देखिए ना, गजब हो गया, किसी ने मेरे सारे जेवर अस्सी निकाल के नकली डाल दिए हैं। अरे चुड़ैल होश की दवा खा। माँ जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, किसी ने मेरे सारे जेवर बदल दिए हैं। कहीं आपने तो नहीं दे दिया किसी को? अरे तू पागल हो गई क्या? मैं क्या करूंगी तेरे जेवर लेकर। राखी बहन, अच्छा हुआ तुम घर पर ही मिल गई। अरे बेटी तू इतनी उदास क्यों है, क्या हुआ? देखिए ना आंटी, किसी ने मेरे सारे ऐसे जेवर निकाल के नकली डाल दिए हैं। हाय राम, कहीं तू भी तो उस कोमली वाले बाबा के पास नहीं चली गई क्या? हाँ बहन, सुना है बहुत बड़ा ठग था, ठग पुलिस पकड़ कर ले गई उसे। औरतों के असली जेवर लेता और उनकी जगह पर चोरी छुपे नकली जेवर रख देता। माँ जी आप भी तो उस कोमली वाले बाबा के भक्त हैं। ए बहन, कहीं तू भी तो अपने जेवर नहीं दे आई उसे? मैंने तो हाँ हाँ बोल बोल। मुझसे गलती, मैंने तो। राखी अब घबराने लगी, कहने में शर्माने लगी, सहेली को भी बुलवाया, सारा किस्सा उसे बताया, पूछी कोई तरकीब सयानी, यही तो है घर घर की कहानी, यही तो है घर घर की कहानी। देख बहन, जो कुछ हुआ ये सब तेरी ही नासमझी का नतीजा है। और तू है कि बेकार में अपनी ही बहू को डांटती रहती है। बहन, पहले मैं भी अपनी बहू के बारे में यही सोचती थी, लेकिन जब से प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाना शुरू किया, वहां पढ़ाई की, तब से मेरी सारी मुश्किलें हल हो गई हैं। पता है अब तो मेरे घर वाले मेरी हर बात मानने भी लगे हैं। अब तो मैं खुद भी कमाती हूँ। मेरे घर में तो बस खुशियां ही खुशियां हैं। हाँ देख बहन, अगर तू भी अपनी बहू के साथ बराबरी करना चाहती है ना, तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाकर पढ़ाई कर, पढ़ाई। फिर देखना तेरी बहू तेरी हर बात कैसे मानती है। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। वो मेरी जो बहू है ना, काम से आने वाली होगी, उसके लिए खाना वाना भी तो बनाना है। अच्छा बहन, राम राम, ख्याल रखियो अपना। छोड़ा सबने साथ, रह गई राखी निपट अकेली, अब तो सिर्फ तन्हाई थी उसकी एक सहेली। केंद्र में जाने को ठान लिया, जीवन में यही एक की उसने बुद्धि मानी, यही तो है घर घर की कहानी, यही तो है घर घर की कहानी। मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरे सारे जेवर चले गए। नहीं माँ जी, मेरा एक भी जेवर नहीं गया है, मैंने वो डिब्बा ही बदल दिया था। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन ये सब एक नाटक था ताकि आप पढ़ लिख सके। और अब आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपका बेटा राजा भी पढ़ लिख चुका है। माँ जी, इसके नेचर ने मेरा फ्यूचर बदल दिया, इसने पढ़ा के मुझे एक काबिल इंसान बना दिया। अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। माँ जी, ये शिक्षा ही तो है जो परिवार को एक डोर से बांधे रखती है। अब मैं भी गर्व से कह सकती हूँ
कि मेरी सासी पढ़ी लिखी है। मुझे तुम पर नाज है बहू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये थी घर घर की कहानी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो जोरदार तालियां। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। नहीं माँ जी, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, जो मैं आपसे कभी भी अच्छे से पेश नहीं आई। बेटी जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। मेरी तो जैसे आंखें खुल गई हैं, मुझे एहसास हो गया है कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो तुम्हारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार कभी ना करती। और इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि हम आए थे अनपढ़ लोगों के बीच और विदा ले रहे हैं पढ़े लिखे लोगों से। क्या हुआ जो आपने अभी चार लाइनें ही पढ़ना लिखना सीखा है? कल वो दिन दूर नहीं जब ड्राइवर फज्जू अपनी छोटी सी कंपनी का डायरेक्टर होगा और लकी कहेगा मुझे दहेज नहीं डिग्री चाहिए डिग्री। और राजेश्वरी के छोटे लड़के के लिए रिश्ता आएगा तो वो ये पूछेगी कि पहले ये बताओ लड़की पढ़ी लिखी कितनी है। और जब आप लोग कहेंगे कि हाँ ऐसा ही होगा तो हम समझेंगे कि वो वक्त आ गया जब हमें आपसे विदा लेनी चाहिए। ऐसा ही होगा। नमस्कार और धन्यवाद आपके सहयोग के लिए और उस प्यार मोहब्बत के लिए जो आपने हमें दिया।